हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम गवर्नमेंट कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें बहुत बड़ा नाम है, तो आज हम उसके बारे में बताएंगे। उसके डिविडेंड के बारे में हम इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पर डिविडेंड अगेन, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कंपनी डिविडेंड देगी दिसंबर जनवरी के महीने में, लेकिन डिविडेंड देने जा रही है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। डिविडेंड हिस्ट्री भी बताएंगे और डिविडेंड बहुत ही अच्छा ये देती है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी है वो तो काफी नहीं है, उसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो भी फाइनेंशियल मेट्रिक्स है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर पावर ग्रिड का मीटिंग होने वाला है दिसंबर 12 को, और उस दिन कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी कि कितना डिविडेंड उनको इन्वेस्टर्स को पे करना है। और यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से ज्यादा है, तो बहुत बड़ा जो डिविडेंड है वो गवर्नमेंट को मिलने वाला है। ये जो डिविडेंड इसी साल का रहेगा, ये इंटरिम डिविडेंड रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी इसी साल का जो भी कैश फ्लो हुआ है तो उसी में से ही कंपनी ये डिविडेंड देने वाली है। और रिकॉर्ड डेट है 19 दिसंबर, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखिए, 19 दिसंबर जो है दोस्तों ये शनिवार का दिन है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स डिविडेंड डेट इसके 2-3 दिन पहले की रहेगी, और तो जैसे ही डिविडेंड का ऐलान होगा तो वो हम एक्स डिविडेंड डेट और कौन सी डेट से पहले आप स्टॉक खरीद कर रख ले ताकि आपको डिविडेंड मिले वो सब जानकारियां आपको दे देंगे। अब ये क्यों डिविडेंड अनएक्सपेक्टेड था, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए। सितंबर, मार्च, अगस्त, मार्च, सितंबर, फरवरी, यानी कि डिविडेंड जो कंपनी देती है, जो एनुअल डिविडेंड वो अगस्त सितंबर में देती है और फिर फरवरी मार्च के महीने में देती है। तो ये जो दिसंबर महीना है यहाँ पर डिविडेंड का कोई रीसेंट हिस्ट्री नहीं रही है कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। लेकिन अगर आप पुराने इन्वेस्टर को अगर देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, भले ही इसका स्टॉक प्राइस ना बढ़ा हो, क्योंकि पीएसयू के स्टॉक्स जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन उनके स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं 2-3 सालों से। अब देखिए, 4 रुपए 4 पैसे का डिविडेंड इसने इसी सितंबर महीने में, इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी, फिर 5 रुपीज 96 पैसा का 16 मार्च को डिविडेंड, यानी पिछले साल का ही अगर आप डिविडेंड देखें तो कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड, बहुत ही पतला यहां पर लिखने का हो रहा है, देखिए मैंने सर्कल किया है, 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। तो ये 10 रुपए का डिविडेंड अगर आप पिछले साल की बात करें, ये देखिए, 2 रुपया 50 पैसा और 5 रुपया 83 पैसा, तो इतना डिविडेंड आया है। फिर उससे पहले 2018 में 2 रुपया 80 पैसा और 2 रुपया 45 पैसा का डिविडेंड, तो कंपनी स्टेडी डिविडेंड दे रही है, साल में 2 बार दे रही है। लेकिन इस साल 2020 में एक और बार डिविडेंड आ रहा है, वो है दिसंबर के महीने में, और उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है दिसंबर 12, ये आपको नोट करके रखनी है दोस्तों। अब इसका स्टॉक प्राइस के बारे में हम जानकारी दे दें, फिलहाल स्टॉक प्राइस है 193.65, 193 194 रुपए के पास इसका स्टॉक प्राइस है आज की तारीख में। और अगर पिछले एक साल का आप डेटा देखें तो मार्च के महीने में 122 तक स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ था। यहाँ ऐसा कोई फंडामेंटल इश्यू नहीं था कि ये स्टॉक प्राइस इतना गिरा था, मार्केट ही अच्छे खासी गिर गई थी, तो 122 तक ही गिरा था। और जनवरी 20 2020 यानी इसी साल में ही 211 तक स्टॉक प्राइस ने हाई पकड़ा था दोस्तों। अब ये है आपके सामने इंपॉर्टेंट ग्रोथ का डेटा, ये देखिए सेल्स ग्रोथ। सबसे पहले आप देखिए, ये 5 साल का इसका सेल्स ग्रोथ रहा है 17%, ठीक है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप 5 साल का देखिए, 16% के आसपास है। देखिए, प्रॉफिट दुगुना हुआ है, अगर आप ऐसे ही अगर 5 साल की बात करें तो दुगुना हुआ है, क्योंकि सीएजीआर 16% है। फिर 5 साल का स्टॉक प्राइस देखिए, सिर्फ 8% ही स्टॉक प्राइस बढ़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। 3 साल की बात करें, सेल्स ग्रोथ 14% है, प्रॉफिट ग्रोथ 13% है, और स्टॉक का प्राइस देखिए, सब कुछ यहां पर फंडामेंटली ठीक दिखता है, लेकिन स्टॉक का प्राइस में बिल्कुल कोई भी चढ़ाव है ही नहीं। आपको 3 साल पहले भी इसी समय में 190-200 के पास ये स्टॉक मिल रहा होगा, और अभी भी इसी रेंज पर ही मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो स्टॉक की है वो 15% की है। तो अगर आप
सिर्फ ऊपर से देखे बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि कंपनी बहुत ही सस्ते में है और कंपनी के जो इम्पोर्टेंट ग्रोथ के जो डेटा है वो अच्छे हैं, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो चल ही नहीं रहा। 1 साल का भी स्टॉक प्राइस देखिए, 4% है, सेल्स ग्रोथ 5%, प्रॉफिट ग्रोथ 13% और रिटर्न ऑन इक्विटी 17%। तो ये बताने की अब हम कोशिश करते हैं, जानने की बहुत सारी कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है दोस्तों। अब पावर ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए। जो आप अपनी स्क्रीन पर 5 पॉइंट देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट है। ये देखिए, कंपनी की रेटिंग बहुत ही स्ट्रांग है, इसके बावजूद कि इसका डेट बहुत हाई है। अगर मैं यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ डेट बाई इक्विटी रेशियो जो कहते हैं, इसका डेट बाई इक्विटी रेशियो जो है वो 2 के करीब है, यानी डेट जो है इसका दुगुना है। तो जो इन्वेस्टर्स है, जब हम देखते हैं किसी भी कंपनी को 0.2 0.3 भी अगर डेट हो तो हमको लगता है कि हाँ चलिए ठीक ठाक डेट है। 1 से ऊपर हो तो फिर तो थोड़ी चिंता भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फेल हुई हैं पिछले सालों में। रीजन क्या था कि उनका डेट ज्यादा था, यानी कि कर्ज ज्यादा था, और इसका जो कर्ज है वो तो डबल है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, और इसकी जो रेटिंग है, रेटिंग एजेंसी के हमने अभी रिसर्च की ये वीडियो बनाने से पहले, और देखा कि रेटिंग इसकी स्ट्रांग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेटिंग है इसकी, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। तो उस हिसाब से आप देखें तो रिस्क कम हो जाता है, भले ही इसकी डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा हो। और ये जो बिजनेस इनका है वो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर का है, तो पावर ट्रांसमिशन ये बिजनेस ही इस तरह का है कि यहां पर पहले खर्चा किया जाता है और फिर साल दर साल पैसे आते रहते हैं। तो ये बिजनेस का ही आप देखिए, इनफैक्ट आप यूटिलिटी कंपनी दूसरी भी देखेंगे पावर सेक्टर की, तो आपको हाई डेट देखने को मिलेगा ही। अब जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका कहने का है कि कैश फ्लो हेल्दी है, क्योंकि खर्चा तो उन्होंने कर दिया, अब उसके पास जो पैसा आने का है, ऐसा नहीं होता कि 1 साल आएगा 2 साल आएगा, या समझ लीजिए एफएमसीजी कंपनी की तरह की सामान बिक गया अब अगले क्वार्टर में क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 20 साल की यहाँ पर पूरी प्लानिंग की जाती है, तो हेल्दी कैश फ्लो है। हाँ, यहाँ पर रिस्क क्या है कि डिले इन पेमेंट, इनके जो कस्टमर्स है जनरली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है, अगर उन्होंने उनकी अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं रहे तो फिर डिले इन पेमेंट हो सकता है, तो ये एक रिस्क उनके साइड से होता है। और चूंकि पावर सेक्टर से ये कंपनी है, तो अगर कोई रेगुलेटरी चेंज हुआ, गवर्नमेंट को ऐसा कोई स्टेप लेना पड़ा जिसके कारण से हो सकता है कि इनके बिजनेस पर कोई फर्क पड़े, तो ये कुछ नेगेटिव्स है जो जानने चाहिए। और आपने देखा भी होगा मार्केट ने, इसीलिए हो सकता है कि इसको पनिश तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि स्टॉक का प्राइस गिरा नहीं है, लेकिन एक ही लेवल के आसपास है अगले पिछले कुछ सालों से, तो वो एक रीजन है कि यहाँ पर रेगुलेटरी चेंज और डिले इन पेमेंट हो सकता है, तो ये मार्केट को हमेशा लगता है। तो इसीलिए कंपनी पर आप इन्वेस्ट करें तो फिर इन सब रिस्क को भी जरूर ध्यान में रखें। बट फिलहाल जो हमने डिविडेंड के बारे में बताया, डिविडेंड को लेकर दिसंबर 12 बिल्कुल नोट करके रखें। उम्मीद है आपको कुछ वैल्यू मिली होगी वीडियो से दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।